अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुमेर हसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 रुपए के अंदर सेवर रिपेयर करना सिखाऊंगा। दोस्तों सेवर जो है, जैसे कि मैं पहले आपको सेवर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास कुछ सेवर थे जो खराब हो चुके थे, जिनमें सर्किट इस्तेमाल हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट और इस तरह की LED इस्तेमाल की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे होता है ऐसा कि एक LED खराब हो जाती है तो उसे सोल्डर कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं LED जो है सीरीज में लगाई जाती है, तो यहाँ पे सोल्डर कर दिया गया है, जिस वजह से एक सोल्डर कर दिया उसके बाद फिर LED सारी चलने लग जाती है। लेकिन जो पावर होता है, पावर उतना ही आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर इसको 20 वाट मिल रहे हैं और ये LED हैं तकरीबन, अब 220 वाट अगर 14 LED को मिल रहे हैं, उसके बाद एक LED कम हो जाएगी तो 13 LED बचेंगी, और 13 LED को भी ये 14 वाट ही मिल रहे होते हैं, जिस वजह से ये और जल्दी खराब हो जाती है। उसके बाद फिर आप दूसरा बल्ब भी इसको सोल्डर कर देते हैं तो फिर ये 12 LED रह गई, तो करंट उतना ही होता है लेकिन LED कम होती आती है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी ये खराब हो जाता है। अब इसको रिपेयर करने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। मार्केट में इस तरह की आपको 40 रुपए की LED की किट मिल जाएगी, जिसके अंदर सर्किट ऊपर ही लगा हुआ होता है LED के। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे L और N देख रहे हैं। आपने यहाँ पे डायरेक्ट जो है बिजली का जो तार होते हैं वो लगा देना है L और N पे, और आपका जो ये सर्किट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरे पास ये वाली बॉडी रखी हुई थी, ये 18 वाट के सेवर की है। आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है 18 वाट के सेवर की LED है, लेकिन मैंने जो इसमें 12 वाट की LED लगाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए मैंने 12 वाट की LED लगाई हुई है इसमें, और दोस्तों ये वाकई बहुत अच्छी रोशनी कर रहा है। तो अब जो है मैं आपको ये LED फिट करके दिखाता हूँ, और आप किस तरह इसे घर पे से खुद से ही आप जो है फिट कर सकते हैं किसी भी पुराने सेवर में से। अब जैसे कि मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे सेवर रखे हुए हैं, सारे ही खराब है, किसी के नीचे का क्लिप नहीं है और किसी के ऊपर का ढक्कन भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि सबको मिला के कोई एक सेवर मुकम्मल हो जाए। तो जैसे कि ये वाला सेवर है, इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ गया, तो हम जो है ये वाली बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई भी कवर ऐसा हो ऊपर का जो फिट नहीं हो रहा हो, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ये वाला एक कवर था ये फिट नहीं हो रहा था, तो आप देखें ये इस तरह यानी ढीला है। इसको जैसे कि मैं अगर उल्टा करता हूँ ये नीचे गिर जाएगा। तो इसका तरीकेकार ये होता है, आप जरा सी वो ग्लू गन जो होती है, आप थोड़ी सी ग्लू गन इसके साइडों में लगा दें और उसके बाद इस ढक्कन को लगा दें, और थोड़ी देर बाद इसे फिर आप यूज कर लें तो ग्लू गन इसको जोड़ देगी, और जब आपको बाद में खोलना होगा तो आप इसको खोल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप LP से चिपका देंगे तो इसके ढक्कन का टूटने का खतरा होता है। तो चलिए अब जो है हम इसकी जो है ये वाला ढक्कन था इसका, और इन सब चीजों को साइड में कर देते हैं। अब जो है ये कवर आ गया, और इसके नीचे का हिस्सा देख लेते हैं। दोस्तों इसके नीचे भी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पिन वाला इसका दिया हुआ सॉकेट, दोस्तों इसमें जो आप यहाँ पे टाका लगाया जाता है, ये हिस्सा भी इसका अच्छा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, अक्सर सेवरों में ये वाला होता है जिसमें सोल्डर करना, अक्सर हिस्सों में दोस्तों ये वाला होता है सोल्डर करने वाला, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये जो है ये पिन वाला है दोस्तों, आप इसको यहाँ से जो है खोल के निकाल सकते हैं, तो आप इसको किसी भी नोकली चीज़ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे निकाल दिया, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नट की तरह होता है। आप इस पे आप इसकी बॉडी में से यहाँ से तार निकाल के और इसे वापसी लगा दें, पर इतना आसान होता है, इसमें आपको किसी सोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये वाला इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक नट ये रहा और एक नट हम इसमें से निकाल लेंगे, एक नट इसमें लगा हुआ है तो मैं इसमें से निकाल। अब ये जो है दोनों नट इसके मिल गए हैं। अब जो है दोस्तों हमने इसके ऊपर की प्लेट निकालनी दी, इसके ऊपर की प्लेट निकालनी है, उसे सीधा करना है। तो चलिए प्लेट निकाल लेता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने प्लेट निकाल ली है यहाँ पे। अब जो है प्लेट के ऊपर जो है हम इस सर्किट को रख के देख लेंगे कि ये सर्किट जो है इस प्लेट पे सही आ रहा है। तो जो सर्किट सही आ रहा है, अब यहाँ पे होल देख सकते हैं, पहले के हुए में हम इस होल में इसे फिट करने की देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस होल में ये फिट नहीं हो रहा, होल जो है दूर है और जो हमारे LED की सर्किट में ये करीब है, तो हम खुद से होल कर लेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम इसे सीधा करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके निशान लगा देता हूँ। पहले सीधा कर लेता हूँ हथौड़ी की मदद से।
तो दोस्तों हमने इसे प्लेट को सीधा कर लिया है। अब जो है आपने एलईडी फिट करनी है। अब आप जो इस प्लेट में सुराख देख रहे हैं वो इस एलईडी से मैच नहीं हो रहे, तो मैं अब नए सुराख करूंगा इन दोनों जगह पे। तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ और यहाँ से हम इस पर निशान लगा देंगे और एक यहाँ पे। अब मैं इन दोनों जगह पे जो है पेचकस की मदद अब मैं इन दोनों जगह पे किसी भी पेचकस की मदद से खड्डा कर दूंगा और उसके बाद हम इस पर नट लगाएंगे। तो दोस्तों हम इस पे मैंने होल कर लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट होल हुए। अब जो है दोस्तों सबसे पहले तो आपने जो है इसकी बॉडी के अंदर आपने पहले जो है वायर लगा लेना है। दोस्तों बॉडी में से वायर यहाँ तक आप बाहर ले आइएगा और उसके बाद तो आप यहाँ पे प्लेट लगाना। तो जब प्लेट लगा लोगे तो बीच में से यहाँ से वायर निकालने के बाद आप इसमें से जब यहाँ से तार निकाल लेंगे उसके बाद आपने इसको लगा देना है। फिर इसके बीच में से तार आ जाएंगे और यहाँ साइडों में नट लगेगा और इन दोनों जगहों पे आप जो है वायर को सोल्डर करेंगे। तो चलिए हम ये सारे काम जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तरह सा तार छील लिया है और उसको थोड़ा सा आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद ये जो स्क्रू है आपने इसे इस पे लगा देना है और इसे टाइट कर देना है। अगर आप इस तरह प्रेस करेंगे तो बस ये आपका जो तार है वो लग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका तार बिल्कुल मजबूती से लग गया है। चलिए हमें दूसरा तार भी लगा ले। तो दोस्तों मैंने दोनों तार जो है इसमें फिट कर लिया है, लगा लिए। दोस्तों अब आप जो है इस प्लेट के ऊपर जो है अगर आपके पास हीट सिंक पेस्ट हो तो आप वो लगा लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नहीं लगाएं। लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो दोस्तों उसका फायदा ये है कि आपका सेवर और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा और आपके सेवर पे जो है हीट जितनी भी होगी वो फैलती जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ये जो सेवर देख रहे हैं 18 वाट वाला जो सेवर रखा हुआ है, दोस्तों इस पे भी मैंने हीट सिंक नहीं लगाया, डायरेक्ट ऐसी जो है नटों से टाइट कर दिया। और इससे पहले भी मेरे पास जो सेवर में रिपेयर करके यूज करते रहता हूँ उनमें भी मैंने बगैर जो है हीट सिंक के ही मैं हीट सिंक पेस्ट के ही लगा लेता हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लगा लें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे एलईडी को फिट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्रू लगा लिए दोनों। अब जो है हमें ये दो वायर जो है इसे सोल्डर करना है, यहाँ पे एक एल पे करना है और एक एन पे करना है। तो मैं इन्हें दोनों को सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे चला के भी चेक करेंगे। तो और मैं आपको वाला 18 वाट वाला भी चला के चेक कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सोल्डर कर दिया। दोस्तों सोल्डर की मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आप इसमें जितने ज़्यादा देर करेंगे सोल्डर लगाने में, यानी अगर आप बार बार कोशिश करते हैं सोल्डर लगाने की, तो ये जो है आपकी किट ये गर्म हो जाती है और फिर इस पर सोल्डर बिल्कुल भी सही नहीं लग पाता। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप इस पर सोल्डर लगा दीजिएगा। लाजमी नहीं कि वो सोल्डर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट दिखे, बस वो चिपक उसकी जो है मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए इस वक्त हमारा सोल्डर जो है सही लग गया है। अब मैं इसका जो है ढक्कन लगा के इसे टेस्ट कराता हूँ आपको। सेवर लगा दिया, अब मैं चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप इसकी रोशनी देख सकते हैं, दोस्तों कोई फर्क नहीं लग रहा इसकी 12 वाट वाली केसिंग या हो या 18 वाट वाली केसिंग। इस एलईडी के लिए 12 वाट वाली केसिंग भी या 18 वाट वाले सेवर की केसिंग, कोई सी भी केसिंग चल जाती है। आप यहाँ पर रोशनी इसकी देख सकते हैं। अब चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और अब जो है हम इसमें ये वाला सेवर लगाते हैं जो हमने अभी अभी रिपेयर करा है। ये वाला सेवर लगाते हैं जो हमने अभी अभी रिपेयर करा है। तो दोस्तों मैंने ये वाला सेवर भी इसमें फिट कर दिया है। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आप इसकी रोशनी भी देख सकते हैं, दोस्तों कितनी तेज रोशनी है इसकी भी। तो दोस्तों आप इसकी रोशनी भी देख सकते हैं। दोस्तों इसकी रोशनी और वाले सेवर की रोशनी दोनों में कोई फर्क नहीं था। तो आप जो है अगर आपके पास 12 वाट वाले सेवर की केसिंग नहीं है तो आप 18 वाट वाले सेवर की केसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने मैंने इस होल्डर के बारे में भी एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, ये 2-in-1 होल्डर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों केसिंग में कोई फर्क नहीं था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों का भी इससे फायदा हो। अल्लाह हाफिज।